हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक देखा था, जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा और साथ ही इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन देखा। आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखें, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखें। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट R है और उसमें प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल से। तो ये हमने देखा था माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बात करें तो क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी। सेकंड हमने देखा था इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डी का यूज किया था, तो इसमें क्या हुआ था, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखा था इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने क्या देखा था, सिंपली टाइम को हमको जीरो कर देना है। तो आप क्या लिखे थे इसमें, लिमिट टी टेंस टू जीरो देन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो एंड रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। ये किसके लिए था, जब हमारा रिएक्शन रिएक्टेंट R कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट P था। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा कोई ऐसे हमारे पास रिएक्शन हो जिनमें इनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से वेरी करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे वेरी करेगा, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट को किस तरह से लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और ये क्वेश्चन ना केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को श्योर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के लिए किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। चलिए तो टॉपिक लिख लेते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, साथ ही हमको ये भी जानना है कि इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कैसे लिखेंगे और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी को कैसे लिखेंगे। तो कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, फिर लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए लेट सपोज हम ये जूम करके चलते हैं कि इनिशियल टाइम टी पे, टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंडीशन में जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन हमने एज्यूम कर लिया आर नॉट। ठीक, और प्रोडक्ट को हमने हमेशा की तरह क्या एज्यूम कर लिया, पी नॉट। तो अब बताइए जब इनिशियल कंडीशन है टाइम टी इक्वल टू जीरो है तो क्या कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टाइम को आगे एक्सटेंड किया। अब हम बात करते हैं एट, कोई टाइम है टी सेकेंड की, एट टी सेकेंड। तो 8 टी सेकेंड पे हम एज्यूम करते हैं कि
कि इस रिएक्टेंट के एक स्मॉल डिसोसिएट हो गए, मतलब एक स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने? तो बचे हमारे पास आर नॉट माइनस एक्स। ए रिएक्टेंट के वन मोल में से एक स्मॉल डिसोसिएट हो गए, तो बचेंगे कितने? आर नॉट माइनस एक्स। पहले था हमारे पास इनिशियल कंडीशन में आर नॉट, जिसमें से एक्स क्या हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वन मोल ही है हमारे पास तो रिएक्टेंट, तो वन मोल में आर नॉट, तो आर नॉट माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो यही एक्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे? वन मोल। तो यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट एक्स। ठीक, आप इसे चाहें तो क्या कह सकते हैं? आप इसे आर टी कह सकते हैं, और सिमिलरली इसे आप चाहें तो पी टी कह सकते हैं। मीन्स ये है हमारा इनिशियल कंडीशन और ये हमारा फाइनल कंडीशन, दो कंडीशन हमें चाहिए चेंज देखने के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए की, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस डी ए अपॉन डी टी से, और ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज को। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है? आर नॉट से देखो ये आर टी बन गया है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, माइनस को तो बाहर में ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट, और टाइम कैसे चेंज हो रहा है? जीरो से टी सेकेंड तक, तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब देखिए इसे हम और क्या लिख लेंगे आगे? आर टी की वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास क्या है? आर नॉट माइनस टी। आप चाहें तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो यहां आर टी का वैल्यू क्या है? आर नॉट माइनस एक्स, तो मैं इसको पुट कर लेता हूं, आर नॉट माइनस एक्स, बाहर में माइनस साइन को रखते हैं। फिर देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा? आर नॉट अपॉन टी माइनस जीरो, टी हो गया। फिर देखिए यहां से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच जाएगा? माइनस एक्स, और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस। तो फाइनली अगर हम देखें तो आर ओ डी ऑफ रिएक्टेंट ए क्या आ गया हमारे पास? ये हमको मिल गया है, जिसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है क्या? एक्स अपॉन टी। क्लियर बात? तो ये पहले काम की चीज़ तो हमारे लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ हमने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट एज्यूम किया है, तो एक ही रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस देखेंगे, अदरवाइज जितने भी रिएक्टेंट होते सबका क्या होगा? डिसअपियरेंस होगा, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ें हमको समझ आई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का अपियरेंस कैसे होगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट चीज होगा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो रेट ऑफ अपियरेंस को हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स आपको ये लिखना अच्छी तरीके से आता है डी, और हमारा प्रोडक्ट क्या है? बी, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। बट बी एक्चुअल में क्या है? प्रोडक्ट पी नॉट से पी टी का चेंजेस है, पी नॉट इनिशियल पी टी फाइनल, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं फाइनल पी टी का कंसंट्रेशन माइनस पी नॉट का कंसंट्रेशन। ठीक है, और टाइम कैसे चेंज हो रहा है? टी नॉट सॉरी टी जीरो से लेकर के टी सेकेंड तक, तो क्या हो जाएगा? टी माइनस जीरो। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको करना वो है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं हम? पीटी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पीटी की वैल्यू है एक्स, तो मैं यहां पे एक्स पुट कर लिया। पी नॉट की वैल्यू है जीरो, और ये है टी, टी माइनस जीरो सिर्फ क्या बन गया? टी। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास आर ओ ए ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या मिल चुकी है? इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है एक्स अपॉन टी। तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल चुका है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा,
जब हमने रिएक्टेंट ऐसा चूज किया है जिसमें रिएक्टेंट है एक मोल और प्रोडक्ट भी है एक मोल, हमने ऐसा रिएक्शन चूज किया है जिसमें रिएक्टेंट भी वन मोल है प्रोडक्ट भी वन मोल है, मीन्स दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इस कंडीशन में हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों सेम हैं, क्लियर है। और हमको ये चीज़ें पता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस यही दोनों रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ से आपको वैल्यू मिल चुकी है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू कितनी है x बाई टी, तो देखिए यहाँ पर x बाई टी रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है x बाई टी। अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ रिएक्टेंट x और b के फॉर्म रिएक्टेंट a और b के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस x बाई टी, एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस d अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के टर्म्स में देखिए ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट के अपीयरेंस के इक्वल है, और ये कब इक्वल है जब हमारा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब कितना है यहाँ पे वन है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स वन, इसके नंबर ऑफ मोल्स वन। अब देखो इस पॉइंट पे मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे तब हम देखेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरह से चेंजेस होंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये हमने इस तरह समझ लिया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम है तो आपको ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप, अगला जो हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल उससे आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल और उसमें समझते हैं किस तरह से चेंजेस होंगे। तो लेट सपोज हमारे पास अब रिएक्शन में रिएक्टेंट है 3A और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा 5B, ठीक है। रिएक्टेंट अभी भी क्या है A है जिसके कितने मोल्स लिए हैं 3 मोल्स, प्रोडक्ट अभी भी B ही है लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, क्लियर है। अब देखिए इसके लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन एज्यूम करते हैं, तो 8 इनिशियली, 8 इनिशियली मींस जब टाइम क्या हो 0 सेकंड हो, तो इस कंडीशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है क्या आर नॉट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है पी नॉट। तो आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा मींस 0। अब देखो टाइम आगे बढ़ा और हम बात करेंगे अब 8 t सेकंड की, तो 8 t सेकंड में हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्टेंट ए के 1 मोल में से एक मोल डिसोसिएट हो गए, मींस एक मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो एक मोल में कितने बचेंगे एक मोल में बचेंगे आर नॉट माइनस एक्स, क्लियर बात। अगर ए का एक मोल में से एक्स डिसोसिएट हो गया एक्स मोल तो बचेगा कितना आर नॉट माइनस एक्स, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास था आर नॉट, इस आर नॉट के एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो गया एक मोल में से एक्स, तो हमारे पास टोटल कितने मोल है 3 मोल, तो कितना डिसोसिएट होगा 3x, तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास आर नॉट माइनस 3x, क्लियर बात। वन मोल में से एक मोल डिसोसिएट हुए तो 3 मोल में से 3x डिसोसिएट होंगे, क्लियर बात। सेम चीजें समझो, इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके एक मोल में x मोल फॉर्म होगा तो 5 मोल में कितने फॉर्म होंगे 5x, तो यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा 5x।
हो सकता है कि आपके जो रिएक्टेंट है इसका साइज अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका साइज अलग होगा, नेचर अलग होगा। तो आप हो सकता है कि जितने जितने प्रोडक्ट जो है आप 5 में बनाएंगे वो 3 के इक्वल होगा। ठीक, तो ये चीज़ें समझ आई। मीन्स हमने देखा इस नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन इसमें होगा और इस नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग एसोसिएशन इसमें होगा। क्लियर बात। इससे हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, अब इससे हम एज्यूम करके चलेंगे पीटी। अब चलिए अब हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन और यू कैन से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और यू कैन से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी जो अभी तक जैसे होती थी। मीन्स डी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट जब आप लिखेंगे तो इस नंबर ऑफ मोल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिएक्टेंट क्या है सिर्फ इससे मतलब होगा। क्लियर बात। अब देखिए अगर हम इसको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगेन माइनस साइन माइनस रहने दीजिए और ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन इसको हम क्या एज्यूम कर लें, आरटी। क्या एज्यूम कर लें, आरटी। तो आरटी माइनस आर नॉट। तो यहां मैं लिख लेता हूं आरटी माइनस आर नॉट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, टी माइनस जीरो। क्लियर बात इतनी। ठीक, आरटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर नॉट माइनस थ्री एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आर नॉट माइनस 3x, माइनस साइन को भी रख लेते हैं यहाँ पे, तो r नॉट माइनस 3x और माइनस r नॉट। फिर देखिए t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, t। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस 3x और ये माइनस प्लस। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास 3x अपॉन t। क्लियर बात। तो चलिए इसको मैं फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3x अपॉन टी। क्लियर बात। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के अपीयरेंस की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी, जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे सीधे सीधे हम लिखेंगे डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, डी बी को आप लिख सकते हैं चेंज इन प्रोडक्ट मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसे आप लिख सकते हैं पी टी माइनस पी नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। ठीक है, पी टी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5x है, तो उसे पुट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5x माइनस जीरो और टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टी। क्लियर बात। तो इस तरह से फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 5x अपॉन टी। तो ये हमको मिल गया रेट ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ x। आप इसे और क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में यही क्या है, एक्चुअल में यही db अपॉन डी टी है। डी बी अपॉन डी टी आपके कॉन्सेप्ट को इसलिए बूस्ट करेगा क्योंकि आप इस नंबर ऑफ मोल्स को देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट अब कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो भी उस रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखने के लिए आपको इस मोल पे कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इस रिएक्टेंट पे। सिमिलरली अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं
तो उस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखने पर आपको अगेन इस नंबर ऑफ मोल्स को केयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ केयर करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। बट अब जब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करेगा। और हम अभी तक देखते आए हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहें, इक्वेट करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, बिल्कुल होगा। ठीक, बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास है 3x अपॉन टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है 5x अपॉन टी, दोनों तो इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम डी माइनस डी अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी को कैसे इक्वल कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो चलिए समझिए उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर ओ आर इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3x अपॉन 3x अपॉन टी इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास कितना है 3x अपॉन टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है हमारे पास 5x अपॉन टी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहे हैं हम यहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या हो जाएगा 3x अपॉन टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा 5x अपॉन टी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हैं, लेकिन हमको तो रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों के लिए बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो इसमें जो 3 एक्स्ट्रा है अगर इसे किसी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन टी। सिमिलरली इसमें जो हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है उसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x अपॉन टी, और दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। बस यही चीज़ करनी है हमको, इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी 5 का डिवाइड कर देंगे। समझ आया, अब हम इसको लिख सकते हैं किसके टर्म्स में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए अभी से हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3, और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ये डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, यहां देखिए 1/5 बाहर में है और ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट करेगा डी बी अपॉन डी टी को, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर है, तो यहां से एक चीज हमको सीखने को मिली, क्या चीज सीखने को मिली, यहां से हमको एक चीज सीखने को मिला कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज है या यहां पर कोई कोफिशियंट लगा हुआ है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है, जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में आप लिखने जा रहे हैं तो उसमें उस कोफिशियंट को डिवाइड कर दीजिए। समझ आया, यहां पर ए का कोफिशियंट 3 है तो हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, यहां बी का कोफिशियंट 5 है तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता तो आपको ये चीज समझ नहीं आती कि हमने ऐसा डिवाइड किया क्यों। अब क्लियर है, हमने डिवाइड क्यों किया, हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि ये बैलेंस हो जाए, ताकि हम दोनों ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बैलेंस कर सके, इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्लियर बात, चलिए अब मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं, जनरल इक्वेशन जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब आपको याद तो अपने आप हो जाएगी क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने समझ ली, तो आप किसी भी रिएक्शन का तुरंत बता देंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, उसके कोफिशियंट पे नहीं, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने पे
हमको कोफिशियंट का यूज करना पड़ता है, उसके कोफिशियंट से डिवाइड करना पड़ता है, क्लियर है। तो कोफिशियंट से डिवाइड कब करते हैं, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए आप। अब हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं और उस जनरल इक्वेशन में सब कुछ समझते हैं क्या क्या चीजें कैसे लिख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए के ए मोल, रिएक्टेंट बी के बी मोल, ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट सी के सी मोल और प्रोडक्ट डी के स्मॉल डी मोल। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। ये हमने एक जनरल कंडीशन एज्यूम कर लिया है, एक जनरल इक्वेशन लिया है। इस रिएक्शन से हम सीखेंगे किसी भी रिएक्शन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इन दोनों का क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कैपिटल सी और कैपिटल डी, तो इनका क्या होगा, अपियरेंस होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट चीज हम जो लिख सकते हैं वो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। कौन से रिएक्टेंट की बात करें, ए की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कभी भी उसके कोफिशियंट से कोई लेना देना नहीं रखेगा, ठीक। सेकंड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक और रिएक्टेंट है ना हमारे पास, तो रिएक्टेंट बी, ये क्या हो जाएगा, अगेन निगेटिव वैल्यू डी बी अपॉन डी टी। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो थर्ड हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पहले सी की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और ये हो जाएगी डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। ये जो हमने कैपिटल से लिखा हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। अब देखो फोर्थ, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी, तो इसका रेट ऑफ अपियरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपियरेंस हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी। इस तरह से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों चीजें समझते हैं। अभी फिर से हमने देखा कि रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशियंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसे हम एक एक रिएक्टेंट और एक एक प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और उसके लिए हमको कोफिशियंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, और इस कोफिशियंट को मैं डिवाइड कर दूंगा ये कुछ इस तरह से वन अपॉन ए, ठीक है। आप चाहें तो माइनस को सामने लिख सकते हैं। अगर आप बी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप समझ गए हम लोग ना, तो वन अपॉन बी से डिवाइड कर दो, और रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस हो रहा है तो माइनस आएगा, इसीलिए मैं क्या कर दिया, सीधा माइनस लगा दिया, और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। या आप चाहें तो इस माइनस को अंदर में ही रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक। देखो ब्रैकेट चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास दो है, तो सी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, उसके कोफिशियंट से डिवाइड कर दीजिए, तो वन अपॉन सी, और क्या हो जाएगा ये डी सी अपॉन डी टी। इसी तरह से एक और हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके टर्म्स में भी लिख लेते हैं, तो वन अपॉन डी, और ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा है अभी। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन, ये दोनों चेंज हो रहे हैं किसमें, अमोनिया में NH3। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप बैलेंस कर लीजिए, ये है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है और साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2 की, तो क्या हो जाएगा, देखो समझो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, फर्स्ट हम बात करेंगे N2 रिएक्टेंट की, तो इसके कोफिशियंट से कोई मतलब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस डी N2 अपॉन dt, क्लियर बात। सेकंड अगर हम H2 का देखें, H2 हमारे पास रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर हम देखें H2 हाइड्रोजन गैस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस DH2 अपॉन dt, ठीक। अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया की, तो थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया, ये क्या हो जाएगा, DNH3 अपॉन dt, क्लियर है। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को लिख सकते हैं। अब अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हर एक एक के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले N2 के टर्म्स में लिखेंगे, तो N2 का क्या होगा, डिसअपीयरेंस, कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लिख लीजिए सीधे सीधे DN2 अपॉन dt, क्लियर बात। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हर एक एक जो भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके कोफिशियंट से डिवाइड करना है, तो इसका कोफिशियंट क्या है, 1, तो हमने 1 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सेकंड बात करेंगे हम H2 के टर्म्स में, तो इसका कोफिशियंट है 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया और यहां पे लिख लेंगे माइनस DH2 अपॉन dt, समझ आया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अभी भी होगा लेकिन किस रेशियो में, 1/3 के टर्म्स में, ठीक। फिर हम बात करेंगे अमोनिया के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसी को इक्वल करके हम क्या लिख सकते हैं, इसी को इक्वल करके लिखेंगे, कोफिशियंट से डिवाइड कर लीजिए 1/2 और ये हो जाएगा DNH3 अपॉन dt, क्लियर है। चलो इसको मैं इतने को पैक कर लेता हूँ। ये इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।